एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल इंडियन सेफ्टी कल्चर में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे लाइफलाइन कितने प्रकार के होते हैं और इनका यूज़ कब और कैसे किया जाता है और इनकी क्या साइज़ होती है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन टावर इरेक्शन का काम चल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि लाइफलाइन कितने यूज़ करने होते हैं। पहला लाइफलाइन जो यूज़ करना होता है जो कि सी लेग में लगता है वह है वर्टिकल लाइफलाइन जो कि 30 मीटर का होता है। दूसरी जो लाइफलाइन होती है वो तीन लाइफलाइन हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन 50 मीटर की यूज़ करनी होती है। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ट्रांसमिशन टावर के अलग अलग प्रकार होते हैं जैसे कि मल्टी सर्किट और डबल सर्किट, इनकी अलग अलग लंबाई होती है तो उस हिसाब से लाइफलाइन की लंबाई भी बढ़ जाती है। जैसे टावर होते हैं वैसे साइज़ की हमें लाइफलाइन वहां पर यूज़ करना होता है। दोस्तों इस इमेज में हमने तीर से मार्किंग किया है, हम समझ सकते हैं इसे हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इन तीनों में लाइफलाइन ज़रूरी है क्योंकि इसके बीच में वर्कर्स को काम करना होता है नट बोल्ट फिटिंग करने के लिए, वहाँ पर कोई सपोर्टिंग सपोर्ट नहीं मिलता है, इसके लिए लाइफलाइन इन्हीं सेक्शन पर लगाई जाती है ताकि वर्कर्स लाइफलाइन का यूज़ कर सकें और अपने सेफ्टी बेल्ट को एंकरिंग कर सकें। कंफर्टेबल सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ काम करने के लिए हम देख सकते हैं कि इस वीडियो में लाइफलाइन लगी हुई है। दोस्तों ट्रांसमिशन टावर लाइन का काम बहुत ही डेंजर होता है, इसके लिए आप लोग जब भी काम करें तो सेफ्टी बेल्ट और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन का उपयोग ज़रूर करें। दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडियन सेफ्टी कल्चर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।